बिहार के हवाई यात्रियों के लिए राहत की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज पटना से चंडीगढ़ के लिए इंडिगो की नई फ्लाइट उड़ान भरेगी। दरअसल बुधवार को पटना से चंडीगढ़ और गुरुवार से सूरत से पटना के लिए सीधी विमान सेवा की शुरुआत हो रही है। पटना से चंडीगढ़ के लिए इंडिगो की नई फ्लाइट 6E718 की शुरुआत की जा रही है। वहीं सूरत से पटना के लिए पहली बार गुरुवार से स्पाइस जेट की एक सीधी फ्लाइट SG407 शुरू होगी। सूरत से ये फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी, जबकि पटना से चंडीगढ़ के लिए प्रतिदिन फ्लाइट उड़ान भरेगी। जानकारी के मुताबिक पटना एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है। चंडीगढ़ और सूरत के अलावा कोलकाता जाने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी, क्योंकि सूरत से आने के बाद पटना से ये फ्लाइट कोलकाता जाएगी। पटना एयरपोर्ट प्रशासन ने 46 जोड़ी फ्लाइट का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये 20 जनवरी यानी आज से शुरू हो गया। मंगलवार तक पटना एयरपोर्ट से विमानों की तादाद 44 जोड़ी थी, जो अब 46 हो गई है। दिल्ली के लिए पहले की तरह 14 फ्लाइट है, लेकिन रांची जाने वालों के लिए अभी भी विमान सेवा नहीं मिली है। पटना से सूरत की सेवा का सबसे अधिक फायदा कामगारों को मिलेगा, जो 2.5 घंटे में पटना से सूरत पहुंच सकेंगे। दरअसल सूरत में बिहार के कामगारों की तादाद बहुत ज्यादा है, ट्रेन सेवा भी बाधित है और सूरत से पटना के लिए उतने ट्रेन भी नहीं है जितने कामगारों का सफर आसान हो। इसी को देखते हुए स्पाइस जेट ने इसे शुरू किया है, जिससे सूरत से पटना का सफर 2.5 घंटे का होगा। पटना से चंडीगढ़ की फ्लाइट पहले भी संचालित होती थी, लेकिन कुहासे की वजह से इसे बंद कर दिया था। बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर विमानों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन यहाँ सुविधाओं का अभाव है। वहीं पिछले कई दिनों से कुहासे के कारण विमानों के परिचालन में आई देरी से भी यात्रियों की परेशानी कम नहीं हो रही है।